Hi students, this is KD sir from Shivam Education. Today we are going to continue with exercise 8.4 of trigonometry chapter 8. Right? Now, already we have done 8.1, 2 and 3 and we have put the videos in the YouTube channel. You can visit my channel KD Shivam and you can watch all the videos. Okay? Exercise 8.4. Question number 1. Express the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A in terms of cot A. Here, ये जो sin, sec और tan है, इनको cot A के terms में बताना है. We need to show in the term of cot A. Let us start. Here, sin A is equal to कैसे लिखेंगे? 1 upon cos A के. अच्छा, 1 upon cos A के को ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए जरा. Square root भी डाल दिया, square भी डाल दिया. और इसे अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos X square is equal to 1 plus cot square A. I hope we got the answer. Therefore, sin A is equal to 1 plus cot square A. अब sec A देखते हैं. Sec A, right? Now, sec A कैसे लिखेंगे बताइए? Sec A is equal to square root of sec square A. दोनों सेम है. Sec square A को कैसे लिखेंगे? 1 plus tan square A. Okay. अब 1 plus tan square A तो मुझे चाहिए नहीं. तो मुझे लिखना है 1 plus cot square A. अब LCM ले लेते हैं सर. Cot square A plus 1 upon cot square A. That is 1 plus cot square A upon क्या आएगा? Cot A. Right? This is our next sum. अब third वाला. Yeah. tan A. अब ये इससे इजी तो कोई हो ही नहीं सकता. That is 1 upon cot A. That's all. Finish. Okay. Let's go to the next sum. Question number 2. Write all the trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. Question number 1 में sin A, sec A, tan A ऐसे करके mention किया था. इसमें mention नहीं किया. हमको खुद को लिखना है. Right? तो let us start. वापस. sin A. Right? sin A is equal to क्या लिखेंगे? वन अपॉन कॉस ए के लिख सकते हैं? नहीं, इसको इससे तो अच्छा. हाँ यार, साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे? वन माइनस कॉस स्क्वायर ए. वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे? वन अपॉन सेक्स स्क्वायर ए. दैट इज वन अपॉन सेक्स स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे? सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन sec square A. This is your answer. Right? ये इसी तरह करते जाना है. Right? Let us do sin A के बाद है cos A. cos A is equal to 1 upon sec A. ये तो हो गया. True. अब third ले लेते हैं. Third क्या लेंगे? tan A ले लेते हैं. tan A is equal to क्या होगा? tan A is equal to square root of tan square A. और tan square A क्या हो जाएगा? sec square A minus 1. This is your tan A. Right? अब fourth ले लेते हैं. cot A. अब cot A कैसे करेंगे? cot A is equal to 1 upon tan A. अब 1 upon tan A मतलब ये क्या हो गया? इसका नीचे ये वाला आंसर नीचे आ जाएगा. sec square A minus 1. Right? I hope easy है. Right? Let us start. Now last one. Fifth. That is cos A K. cos A K कैसे करेंगे? cos A K is equal to 1 upon sin A. लेकिन sin A तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया. राइट? अब ये क्या होगा? नीचे से ऊपर हो जाएगा. दैट इज sec square A ऊपर आएगा और sec square A माइनस वन नीचे आएगा. बस इतना ही फर्क है क्योंकि अपसाइड डाउन है. और आई होप यू अंडरस्टूड. इजी है ना? राइट? तो इस तरह आपको सम फटाफट करना है. ओके, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, और आप चाहो तो यहां देखिए, ये वाले में आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं. ये दोनों राइट है. sec square a माइनस वन, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो ये अड़ जाएगा sec a. वैसे यहां भी देखिए sec a हो जाएगा और sec square a माइनस वन. तो यू कैन राइट बोथ द वे. बोथ ऑफ देम आर राइट. ओके, सो डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर 3. इवेल्युएट. ये ऑलरेडी हम लोगों ने 8.3 में किया हुआ है. साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73. आपको कोई एक को चेंज करना है. राइट? यार, साइन स्क्वायर 63
63 को कैसे लिखूंगा, 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, राइट। सेम यहाँ पे देखिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, राइट। बस अरिथमेटिक, 90 माइनस 27 क्या होगा 63, 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा 17। अब ये 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 73 प्लस सॉरी साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, राइट। अब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/1 = 1। ओके, सेम वे वहां करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65। लेट अस सी, साइन 25 है तो इसको हम चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस 65 को साइन 25 लिखेंगे, तो ये कॉस 65 वैसे रहने देता हूं, वैसे ही कॉस 25 को क्या करूंगा, कॉस 90 माइनस 65 को ऐसे लिखूंगा और ये ऐसे रहने देता हूं। दिस विल गिव कॉस 65, कॉस 65 और ये क्या हो जाएगा, साइन 65 और साइन 65, राइट। दिस विल गिव कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना, दैट इज 1। ओके, दिस वे वी हैव इवैल्यूएटेड। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहला क्वेश्चन है 9x² है माइनस 9x² है, यहां देखिए, राइट, इसमें कुछ नहीं करना है हमको, 9 कॉमन ले लो, x² है माइनस 10² है, x² है माइनस 10² है क्या हो जाएगा 1, therefore कौन सा ऑप्शन है, बी, दिस इज द ऑप्शन इक्वल टू बी, राइट। ओके, अब ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखिए, 1 प्लस टेन थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसे हम एक काम करते हैं साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। चलिए, 1 प्लस राइट, और इसे 1/sin θ, चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/cos θ, राइट, और यहां क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1/sin θ, राइट। अब यहां वहां करते हैं हम लोग, राइट, अब ये देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये है, तो ये दो को है, इसको ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1/2 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, बस इतना ही करना है, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 2 sin θ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब यहां पे देखिए, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब यहां कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा नहीं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 sin θ कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 कट हो गया, 2 sin θ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ऑप्शन कौन सा है, 2 का आया सी,
दैट इज ऑप्शन सी. ओके दिस वे यू टू डू. साइन और कॉस में कभी भी देखे ऐसे जब भी तीन लेटर्स वाले सम तीन टर्म्स वाले सम दिया हो तो चेंज इट इन टू बेसिक. ज्यादातर 99% यू टू चेंज टू बेसिक. और बेसिक मतलब बेस वाला कौन सा है? साइन एंड कॉस. ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक वैल्यू है वो साइन एंड कॉस. ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट टू सम्स. क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड एंड फोर्थ. sec a प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए. जैसे मैंने बताया था sec a प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए. ओके बेसिक में कन्वर्ट कर दो. वन अपॉन cos a साइन ए अपॉन cos a वन माइनस साइन ए. ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए अपॉन cos a मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस साइन ए. अब ये देखिए वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज अपॉन cos a cos स्क्वायर ए अपॉन cos a. एक कट हो जाएगा दैट इज cos a. cos a किधर आया देखिए डी राइट. दिस इज द वे यू हैव टू डू. ओके ये वाला फोर्थ वाला वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए. वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या है? सेक्स स्क्वायर ए. वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉस सेक्स स्क्वायर ए. सेक्स स्क्वायर ए कैसे लिखेंगे? वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये वन अपॉन साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. क्या आएगा? टेन स्क्वायर ए. और ये कौन सा ऑप्शन है? डी. ओके आई होप यू अंडरस्टूड. देख लीजिए एक बार राइट. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर फाइव. प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज राइट. तो पहला वाला ट्राई करते हैं LHS. cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर राइट. अब पहले क्या करेंगे? इसको बेसिक में कन्वर्ट करते हैं. वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. एलसीएम सेम है. चलो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. अब ये स्क्वायर दोनों को जाएगा दैट इज वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब ये कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम ऐसा लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा राइट. अब ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला. वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा राइट. अब देखिए ये एक कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? That is वन माइनस cos थीटा अपॉन वन प्लस cos थीटा आर एच एस. देख लीजिए राइट. आपको इस तरह सम आर एच एस पे नजर रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए करते आना है और इस तरह आपको सम करना है. ओके आई होप यू अंडरस्टूड. ओके नाउ सेकेंड नंबर करते हैं राइट. cos a प्लस साइन ए. तो एल एच एस अगर हम एलसीएम लेंगे तो cos a वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए अपॉन cos a राइट. एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर राइट. दिस इज वन प्लस साइन ए और ये हो जाएगा cos a. ओके cos स्क्वायर a को ऐसे लिखते हैं cos स्क्वायर a प्लस वन प्लस टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस साइन ए कॉस ए राइट. अब यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वन. कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया? वन. वन प्लस वन क्या हो जाएगा? टू. टू प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए कॉस ए. टू कॉमन निकाल दो. वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए कॉस ए राइट.
वन प्लस साइन ए कट हो जाएगा, दैट इज टू अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टू सेक ए आर एच एस, राइट? दिस इज द वे यू हैव टू प्रूव। समझ पड़ा आपको? ये देख लीजिए, ये वाला मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन, वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, ऐसे इस तरह साथ में लिखा है। तो ये आपको आइडेंटिटी सब याद रखने हैं और इस तरह सम्स करना है। ओके, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट सम। नाउ थर्ड सम, एल एच एस टेन थीटा वन माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा वन माइनस टेन थीटा, सबको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट? शांति से करना, कोई जल्दी नहीं है हमको। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो यहां पे क्या होगा, पहले साइन थीटा, साइन थीटा यहां आएगा और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, और एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका जो नीचे जो है वो चला जाएगा ऊपर। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? इसका जो एलसीएम आएगा वो चला जाएगा ऊपर। वैसे यहां भी देखिए, कॉस थीटा ऊपर आएगा, साइन थीटा सेकंड नीचे, और यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, राइट? अब ये ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा और यह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको हमको ये भी देखना है कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ध्यान देना आप लोग, राइट? दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दे आर नॉट सेम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो दिस विल गिव साइन थीटा, एलसीएम क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे माइनस कर दो, राइट? दिस विल गिव कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है। अब देखो एलसीएम सेम है लेकिन कॉस थीटा और साइन थीटा अलग है, तो दिस कॉस थीटा विल गो देयर, दिस साइन थीटा विल गो हियर, राइट? तो यहां पे अगर मैं करूं, राइट, तो यहां होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन एलसीएम तो सेम है, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख देते हैं, राइट सर? अब ऊपर का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट हो गया सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचा। अब इसका एलसीएम अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, दिस विल गिव साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये सेपरेट कर दिया, ये हो जाएगा कट। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस वन, कुछ आ गया आरएचएस, यस दिस इज आरएचएस। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। ये वाला आंसर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, इसको रीअरेंज करके ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सो दिस वे यू टू डू, जब भी आपको टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा ऐसे सब दें तो उसको बेसिक में कन्वर्ट कर दो, दैट इज साइन एंड कॉस। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट सम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, एल एच एस लेट अस सी वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, आर एच एस में साइन और कॉस में दिया है, तो लेट अस डू इट विथ वन अपॉन कॉस ए वन अपॉन कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए अपॉन वन अपॉन कॉस ए, राइट? अब ये कॉस ए सपोज कट कर देते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अब इसे अगर मुझे चेंज करना है, नीचे 1 है तो कंजुगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्या आया ये, आर एच एस आ गया, दैट्स इट, बस यही करना है, राइट। आप एल एच एस और आर एच एस अलग अलग भी कर सकते हो, दिस वे ऑल्सो यू कैन प्रूव, यू हैव टू जस्ट प्रूव, राइट। प्रैक्टिस करो एल एच एस आर एच एस अलग अलग करके भी, और ये भी ट्राई कर लो। ओके, लेट्स गो द नेक्स्ट टर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ये सम जरा ध्यान से देखना। यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये करना है, और दूसरा क्या है हमको, ये कॉस ए के और कॉट ए आना है आर एच एस में। तो एक काम करते हैं, एल एच एस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, अब इसको अगर हम लोग सबको साइन ए से डिवाइड करें तो डिवाइडिंग बाय साइन ए, साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, राइट, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो क्या आता है, यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, राइट। तो ये हो गया, अब ये क्या आएगा, पहला वाला, पहला वाला आएगा कॉट ए, दूसरा वाला आएगा 1, तीसरा वाला आएगा कॉसेक ए, राइट। आराम से करना, यहाँ पे नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, राइट। अब यहां पे हमको ग्रुप बनाते आना चाहिए, कॉसेक कॉट ए है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, राइट, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, राइट। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कॉट ए और कॉसेक ए से। अब ऊपर क्या रहेगा, देखिए ऊपर रहेगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, और बाजू में रहेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और नीचे देखिए ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ होगा, राइट। तो लेट अस सी कैसे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए, राइट, और ये प्लस 1 को अलग ले लेते हैं, प्लस 1 कॉट ए प्लस कॉसेक ए, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। ये जो है इसको देखिए, ये वाला दो ग्रुप बना दिया और ये 1 को अलग रखा, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ऊपर वाला वैसे ही रहने दीजिए, प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 है, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। तो दिस विल बिकम माइनस 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, देखिए ऊपर और सेम नीचे है, सेम है, देखिए माइनस 1 कॉट ए कॉसेक ए, माइनस 1 कॉट ए कॉसेक ए, कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका आर एच एस, कॉसेक ए प्लस
कॉट ए। ओके, इसको 2-3 टाइम प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ओके, डू इट। यहां पे याद रखना आपको कॉट ए प्लस कॉस ए कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके डन, चल लेट्स डू द नेक्स्ट। ओके, लेट्स सॉल्व 6 and 7। पहले 6 ले लेते हैं, LHS 1 plus sin A 1 minus sin A। 1 plus sin A 1 minus sin A, इसका कंजुगेट क्या हो सकता है? 1 plus sin A upon 1 plus sin A, राइट? तो क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा 1 plus sin A का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 minus sin square A, राइट? अब 1 plus sin A का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट निकल जाएगा, दैट इज 1 plus sin A। नीचे 1 minus sin square A मतलब cos square A, cos square A का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? cos A आएगा। क्या आएगा? cos A। अब देखिए इसको 1 upon cos A प्लस sin A upon cos A, क्या आएगा सर? sec A प्लस tan A। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज RHS, राइट? आराम से करना। चलो नेक्स्ट है 7th नंबर का, LHS साइन थीटा माइनस 2 sin cube theta अपॉन 2 cos cube theta माइनस cos थीटा। इस पर ध्यान रखने का RHS पे, राइट? पहले साइन थीटा कॉमन ले लो, तो 1 minus 2 sin square theta, राइट? वैसे ही देखिए cos थीटा कॉमन ले लो, 2 cos square theta minus 1। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा को तो tan थीटा लिख ही डाल, आपका जो आंसर है ये तो आ ही गया। खाली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 1 minus sin square theta minus sin square theta, ऐसा लिख सकता हूँ 2 sin square theta को। वैसे ही cos square theta को cos square theta plus cos square theta minus 1 लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा, tan theta तो आ ही गया है, 1 minus sin square theta क्या हो जाएगा? cos square theta minus sin square theta, राइट? नीचे देखिए cos square theta minus 1 क्या हो जाएगा बताइए? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? तो ये आ गया सेम, कट कर दो, एंड दिस इज योर टेन थीटा, दैट इज RHS। आई होप यू अंडरस्टूड। खाली यहाँ वाला, ये वाला जो पॉइंट है ये याद रखना है, 2 sin square theta को स्प्लिट करो 2 sin square theta sin square theta करके और आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, LHS साइन ए प्लस cos A के होल स्क्वायर cos A प्लस sec A होल स्क्वायर, राइट? इसका आप फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर A प्लस 2 sin A cos A cos X स्क्वायर A cos स्क्वायर A प्लस 2 cos A sec A प्लस sec स्क्वायर A, राइट? नो टेंशन। यहाँ देखिए 2 sin A, ये 2 हो जाएगा, sin A cos A कट हो जाएगा, sin cos A sec A कट हो जाएगा, और देखो sin square A plus cos square A, ये 1 plus 2 plus 2 plus, हमको किस में चेंज करना है सर? tan square A और cot square A। cos X square A को क्या लिखूंगा मैं? 1 plus cot square A, और sec square A को क्या लिखूंगा? 1 plus tan square A। अब बताइए ये 1 हुआ, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, लिख दूं इज इक्वल टू 7 tan square A प्लस cot square A। कुछ आ गया ऐसा लग रहा है आपको? 3 लाइन में RHS, इजी है ना? ओके, सम जितना बड़ा दिखता है कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, वंस यू स्टार्ट योर पेन आपको सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ओके, चलो बी कॉन्फिडेंट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, नाउ लेट्स स्टार्ट 9 नंबर, राइट? LHS लिख लेते हैं, cos A माइनस sin A sec A माइनस cos A। यहाँ पे देखो tan और cot दिया है, राइट? sin और cos का जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, cos A माइनस 1 upon cos A। लेट्स डू दिस वे, राइट? sec A माइनस 1 upon sec A। चलो ये LCM हो जाएगा,
cos x square a minus 1 upon cos x a. Sec square a minus 1 upon sec a. Right? अब cos x square a minus 1 क्या आएगा? tan square a upon cos x a. Right? और sec square a minus 1 क्या होगा? cot square a. cot square a upon sec a. Right? अब देखिए tan square a cot square a क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. Is equal to 1 upon cos x a 1 upon sec a. That is cos x a मतलब sin a हो गया. That is sin a up into cos a. Sec a क्या हो जाएगा? cos a. ये हुआ हमारा LHS. Right? अब RHS देखते हैं. RHS is equal to 1 upon tan a plus cot a. चलो ये क्या हो जाएगा? sin a अपॉन कॉस ए, कॉस ए अपॉन साइन ए. राइट? यहां पे देखिए ये एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये ऊपर चला जाएगा. दैट इज साइन ए और कॉस ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1. राइट? इज इक्वल टू साइन ए cos a. Therefore, LHS equal to RHS. LHS equal to RHS. इस तरह प्रूव करना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. राइट? ये यहां से इसको रिवर्स में नहीं जा सकते. अगर रिवर्स में जाना है तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा. उससे तो अच्छा जब ऐसे सम्स आए तो यू कैन सॉल्व दिस वे. LHS equal to RHS. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दो बार प्रूव करना है. तो पहले ये वाला पहले ले लेते हैं. 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. राइट? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मतलब दैट इज sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मतलब cos x स्क्वायर ए. अच्छा, sec स्क्वायर ए मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और cos x स्क्वायर ए मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, मतलब ऊपर चला जाएगा. राइट? दिस विल गिव टेन स्क्वायर है. राइट? दैट इज आर एच एस. यहां पे दूसरा वाला ले लेते हैं. नाउ दूसरा ये वाला ले लेते हैं. 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर. वैसे ही प्रूव करते हैं. राइट? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस cos a upon sin a whole square. Right? अब ये क्या करेंगे? अभी देखिए cos a इधर आ जाएगा. cos a minus sin a upon cos a. तो cos a कहाँ आ जाएगा? यहां पे. राइट? यहां पे दूसरा क्या हो जाएगा? sin a minus cos a upon sin a. राइट? ये हो गया होल स्क्वायर. अब यहां ध्यान देना आप लोग, कॉस ए नीचे आएगा साइन ए ऊपर चला जाएगा. राइट? दिस विल गिव साइन ए अपॉन कॉस ए. राइट? ये तक लिख दिया, और ऊपर देखिए कॉस ए माइनस साइन ए. राइट? और नीचे क्या करने का? माइनस वन कॉमन निकाल दीजिए. राइट? इंटू माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए. राइट? होल स्क्वायर. यहां पे देखिए ध्यान देना, कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए था, तो यू नीड टू टेक आउट माइनस वन कॉमन, बट ये आर ऑल ऑफ देम आर इन मल्टीप्लीकेशन, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा. राइट? अब कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, माइनस वन को होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? वही. तो टेन स्क्वायर है और माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब प्लस वन ही है, तो ये आ रहेगा टेन स्क्वायर है. एंड दिस इज ऑल्सो आर एच एस. आई होप यू प्रूव. राइट? ये दोनों बाजू से हम लोग ने टेन स्क्वायर प्रूव किया, तो थ्री ऑफ देम आर इक्वल. ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. राइट? वी हैव
we have solved 8.1, 2, 3 and now 4, right? So please practice karo, achhi tarah practice karo. Koi query hai, koi practice sum hai, to please bhejo, right? We will solve it out, aapko help karenge, okay? Please share this video to maximum students so that they get the benefit of our sums or method, right? So please share and subscribe karo aur bell icon press karo so that aapko हमारा नोटिफिकेशन मिले हर बार. ओके सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो. बाय बाय फॉर द डे.